पॉजिटिविटी की देवी कल कुछ ऐसा लेक्चर लेके आई। 24 मिनट का वीडियो बस इतना ही बन पाया है गाइस, इसी से काम चला लेना मेरे टरु वालों, चाटुकारिता करने वाले लोगों। और कुछ सफाई, सच क्या होता है, सच अदम्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। वाह वाह जिज्जी, कहाँ से वैसे ये सुन के आई थी आप स्क्रिप्ट? तो भाई साहब, झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन कल फाइनली आई हैं। और हाँ जिज्जी, जो बच्चन बोल रही थी वो अपनी बड़कन्नी जिज्जी के बोल रही थी, उनके द्वारा उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और उससे ज़्यादा लग रहा था कि जो बड़े बड़े शब्दों के धनी इंसान कौन है। अरे भाई, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। कानपुर से आईआईटी कानपुर से हिमाचल वाली वो यात्रा, जिसमें एक जीजा रिप्लाई कर रहा था, मैं बुद्धिजीवी समाज का, ऐसे अरे गरे लोगों को मैं जवाब देना उचित नहीं समझता, और लड़की क्या होती है, एक आदमी को किस प्रकार से अपनी बीवी का स्टैंड लेना चाहिए, फलान ढमाक न जाने का बोल बच्चन बोले थे। तो ये सारे के सारे बोल बच्चन हमारे नोना जिज्जा के थे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल जिज्जी ने जो क्लास ली थी, एक्स्ट्रा क्लास विद समोसा, आए हाय, तो समोसा का जो चटपटा वाला अंदाज था वो जिज्जी की जुबान पे उतर आया। कैसे, कहाँ का, एक बार फिर से इतना बड़ा टाइटल, मतलब जितना बड़ा वीडियो था उसी के मुताबिक इन्होंने टाइटल भी लिखा। टाइटल था कि बहुत वक्त लगा खुद को संभालने में। सही माँ, संभाल पाई हो अपने आप को? अब दुइये तीन दिन में त्रिया चरित्र करती फिरोगी, हैं? नौटंकी ड्रामा करोगी, लो फील करोगी, हाई फील करोगी, जिंदगी आसान नहीं होती, फलान धमाक नहीं होती। फिलहाल पूरा टाइटल पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पे टाइटल पे तो आने वाले टाइम में एक लंबी किताब लिख जाएगी दिनों दिन। अगर मुझे लगता है कि YT पे ये वाली चीज़ ना हो कि इतने करेक्टर यूज करके आप जो है टाइटल लिख सकते हो, अनगिनत होते तो हमारी जिज्जी पूरी यहाँ कहानियाँ लिख डालती टाइटल में ही, हैं। फिलहाल लिखा है कि बहुत वक्त लगा खुद को संभालने में, और आगे लिखा है कि जो है वो सिर्फ दोनों जानते हैं, सर उठा के जी रही हूँ। आए हाय, सर उठा के जी रही हैं। वैसे जिज्जी का आप कभी सर झुका के जी हैं? इतिहास गवाह है, इतना सफ़ेद झूठ तो ना ही बोलिए। और जो हुआ है दोनों नहीं, आपके घर के जितने लोग हैं सदस्य, उधर भले वो बंदा ही जानता हो, कई चीज़ें वो अपनी माँ को नहीं बताता है, लेकिन आपके घर में ना नोना टोना, जादू टोना, इनसे ज़्यादा तुम भी ना जानती होगी, क्योंकि तुम्हारे मुँह से तो उसके ही शब्द निकलते हैं। विगत कई दिनों से आपकी भाषा जो परिवर्तन हुआ है भाई साहब, का ही बताएं। तो ये जो नौटंकी ड्रामा करने आई हो ना, इससे कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, जिज्जी की वीडियो की शुरुआत होती है सुबह सुबह उठने से लेकर, जैसे कल झूठ की दीवानी ने बहुत सारी बातें बताई थी मम्मी जी को लेकर, कि मम्मी जी 6 बजे उठ जाती, हम लोग 9 बजे उठते हैं। तो वही सारी चीज़ें छुटकरनी ने भी मम्मी जी की तारीफों के पुल बांध दिए, क्योंकि यहाँ पर भाभी को नीचा दिखाना है कि जो भाभी काम काम करती रहती है वो इतना भी काम नहीं करती जितना बोलती है, और काम तो मम्मी जी ही कर रही हैं, ऊपर नीचे दोनों संभाले हुए हैं। तो मम्मी जी नहा धो के आती हैं, भिंडी के साथ कद्दू बनाती हैं, ऑर्गेनिक कुछ 4-6 भिंडियाँ थी कटोरिया में रखी कटी हुई थी। अब उसमें एक एक भिंडी किसी ने खाई होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि ऊपर वाले और नीचे वाले सब मिल बांट के खाते हैं, तो हो सकता है भिंडी के 2-2, 4-4 टुकड़े सबको आ गए हों, पर अब भाई बनाई थी तो बनाई थी। यही सारी बातें करने के बाद तड़का पड़का लगता है, आप सबको पता है कि किस प्रकार से इनका खाना पानी चलता है। उसके बाद भाई वो आटा वाटा गूंथने का प्रक्रिया, जिज्जी एक गुल्लक लेके आई हैं, गुल्लक उन्होंने झूठ की दीवानी को भी ना गिफ्ट करा है, शिमला वाला गुल्लक, और खुद को लेकर भी आई है कि भैया हम और अपने बच्चे के लिए इसमें गुल्लक में पैसा डलवाएंगे। जब झूठ की दीवानी को बग्गी नीचे थी, बग्गी और बग्गे ने समोसे का इंतज़ाम किया था, लेकिन जो झूठ के दीवानी के गुल्लक के बारे में हमारी बड़कन्नी जिज्जी से छुटकन्नी ने बोला कि जिज्जी मैंने तुम्हें भी तो गुल्लक दिया है, तुमने सब्सक्राइबर्स को दिखाया, भाई साहब जो झनझनाटा हुआ, उधर से जवाब आया है सर उठा के जी रही हैं, पता चल गया होगा कैसे सर उठा के जी रही हैं। वो कह रही थी अभी ये सब ज़रूरी नहीं, अभी जो ज़रूरी है वो पहले निपटा लो, है मतलब उसका कहने का तात्पर्य ये था, नास पीटी तू कैमरा लेके इधर उधर ब्लॉगिंग करके दिखा रही है, गुल्लक पुल्लक बाद में भी दिखाया जा सकता है, अभी मैं कर रही हूँ काम और तू कर रही है नौटंकी, है। हालांकि छुटकन्नी जिज्जी का कहना था जब से परेतिन और मम्मी आई हैं
सॉरी, जब से झूठ की दीवानी और मम्मी आई है तब से ना मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं टेंशन फ्री होके आराम से अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ, जो करना है वो करती रहती हूँ। तो भाई जिज्जी ने कहा मैंने अभी नहीं दिखाया, मैं कभी भी दिखा दूंगी ये गुल्लक पुल्लक, इतना भी कौन सा तूने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, मन में यही सोची होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारी जिज्जी फालतू फालतू जितने भी बातें होती हैं किचन का, ये सामान मैंने किचन के लिए बाल्टी ऑर्डर करी है और जो एक छोटा सा रैक अम्मा जान से ऑर्डर किया है जिसमें जिज्जी ने अपने कुछ घर के सामान रखे हैं, उसकी मजबूती की भी बात करी है। और इसके अलावा भाई जो वहाँ से लेके आए हैं का चीज़ ऐसे भाई, फ्रिज मैग्नेट हैं और जो शिमला से लेके अपने फ्रिज में आके लगाई हैं, और फिर उसके अलावा पकौड़े, आए हाय, पकौड़े के लिए जिज्जी पूछ रहे हैं कि आप में से किसी ने कभी बनाया हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे मंदबुद्धि जिज्जी, पीछे हर जैसे ये वाली चीज़ें होती हैं जो आप घर में लाके बना सकते हो, पहले से इसमें बहुत सारी प्रक्रिया लिखी होती है, अंदर हो सकता है आपको पेपर भी मिल जाए। तो थोड़ा सा ना हरदम दूसरों के ऊपर लादने से अपनी जिम्मेदारी, बेहतर है कि आप जरा देख लीजिए उसमें पीछे कौन सी विधि बताई गई है, हिंदी इंग्लिश और कई बार तो जो अंदर पेपर होता है उसमें और कई लैंग्वेज में भी लिखा होता है कि कैसे बनाएं। वैसे आपको तो सबसे ज़्यादा पता है कि कैसे बनाएं लोगों को उल्लू, आए इसके बिना आपका काम नहीं चलता। दर्शकों जो मुद्दे की बात है, बाल्टी वाल्टी तो हो गया, सामान वामान तो हो गया, इसी प्रकार से घर का मैं सारा राशन पानी बनाऊंगी, इसी तरीके से जोड़ जोड़ के गृहस्थी बनती है। इसके अलावा जो बच्चे की गाड़ियां थी, एक BMW एक डिफेंडर, आए हाय लेवेंडर डिफेंडर और न जाने का लफंडर बन के जिज्जी बोल रही थी, बातें जुबान सब फिसली जा रही थी। होगा काजी, बहुत सारी जिज्जी को स्क्रिप्ट दी जाती है, उसमें हमार जिज्जी भूल जाती है कि अभी का बोलें तभी का बोलें, नोना जिज्जा ने कहा दिया था, बड़कन्नी जिज्जी ने कहा दिया था, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ना कई बार कन्फ्यूजन आ जाता। फिर दीदी का आता है टाइम, जिसके लिए उनको एक्स्ट्रा क्लास दी गई थी, तो एक्स्ट्रा क्लास में जिज्जी ने कहा का सीखा है और जिज्जे ने किस प्रकार से बात करी, जिसमें टाइटल में भी थोड़ा लिखा है कि भाई जो सच है वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। तो इस सच के बारे में जिज्जी अपने कुछ विचार व्यक्त करती हैं, उसके बारे में चलो हम भी थोड़ा सा विचार व्यक्त कर देते हैं। जिज्जी ने जो शुरुआत करी है, पहले उन्होंने शुरू करा है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मेरे ऊपर जिम्मेदारी, बालों की कहानी, न जाने कितनी बार हमने सुना है कि हम अपने बालों के साथ अब कुछ ना करेंगे या जैसे भी हैं अब इनको नेचुरल ही रखेंगे। तो जिज्जी हम में से कोई आपसे कह भी नहीं रहा है कि आप स्ट्रेटनिंग कराओ या फिर कुछ इसमें और कराओ, कलर कराओ ना कराओ, तुम्हारी मर्जी भाई साहब, हमार का स्मूदनिंग कराओ या ना कराओ है। लेकिन भाई जिज्जी ने बता भी दिया कि शादी से पहले किया था, फिर शादी के कुछ दिन बाद के कुछ दिन पहले करा था, उसके बाद सिट के पहले बर्थडे पे करा था, लेकिन मेरी शादी के बाद मैं बिल्कुल बालों की केयर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे होता था अत्याचार, जिज्जी सांस भी नहीं ले पाती थी, बच्चे की केयर करे कि खाना पकाना बनाओ है कि घर परिवार देखे, इसलिए हमारी जिज्जी ने पूरा अपना दुखड़ा दिल जिगर किडनी से रोए के रख दिया कि कतई हम वहाँ फिर उस शादी के बाद अपने बालों का कभी ध्यान नहीं रख पाए। वैसे जिज्जी कुछ 6 महीने बाद तो आप चिंटुआ को लेके भाग गई थी बढ़िया बिस्तरा समेत, तो यहाँ पर आप नहीं रख पाई, यहाँ पर तो भाई साहब कितनी अच्छी सर जगह अपना सर उठा के जी रही हैं। वैसे हमने देखा था किस प्रकार से आप उस टाइम जी रही थी, उससे लाख गुना अच्छे वहाँ जी रही थी, जो निचवा पर आपको बिस्तरा मिला था किचन के बगल में ही, है ना, जो जनता जनार्दन ने खूब डांट लगाई है मम्मी और बग्गे को सुनाया है कि उसका छोटा बच्चा है, दिन भर काम करती रहती है बच्चे को नीचे डाल के, एटलीस्ट उसको एक खटिया तो डिजर्व करती ही है ना, इंटरनेट भी पूछ पूछ के दिया जाता था जिस पे बग्गी बग्गा, तो बग्गी तो उस टाइम थी भी नहीं, बग्गा मम्मी से पूछता था मम्मी कोई काम कराना तो करा लो, वो कह रही थी कि इंटरनेट का पासवर्ड बता दो। ये वाली जो बात थी बहुत ज़्यादा विवादों में आई थी, बहुत ज़्यादा, तो जिज्जी वो वाले पल आप सर उठाई के ही जी रही थी, हैं
नहीं, बताइएगा बताइएगा। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक बोल बच्चन बोला था कि ऐसा हो जाता है लाइफ, वैसे हो जाती है, मैं लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और ये मेरे शादी वाली लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है जो मैं प्रेजेंट टाइम में जी रही हूँ। उस टाइम जज्जी बहुत ही कुछ बोलना चाहती थी लेकिन कतई बोल नहीं पाई क्योंकि तब तक भड़कन्नी जज्जी आ चुकी थी। बोली, नर्स पीटी है तो यू सब बोलेगी। फिर दूसरे दिन हमारी जज्जी के बोल बदल गए। तब जज्जी, तुम सर उठा के जी रहे थे तो इस प्रकार की भाषा कैसे निकल आई है? फिर कुछ दिन उससे पहले आपने बोला था, जीना मरना दुनियादारी खुद ही करना होता है, बीमार हूँ लाचार हूँ और उसके बाद भी काम खुद ही करना पड़ेगा, चाहे तो चाची को बुला सकती हूँ पर नहीं बुलाऊंगी। तब भी आप सर उठाए के जी रही थी ना, है अकेले ही करना पड़ता है, सब कुछ मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ। और भाई वो जो झाड़ू कोलियम नहीं लगावा गवा, चाबी वाला बयान, दूध के पैसे, वैसे दूध से याद आवा दर्शकों, जिज्जी ने बताया हम 2 पैकेट दूध लेके आए, एक ऊपर लाए एक नासपीटों को नीचे दे आए, कहा कि पिछली बार तो खर्चा करने में मना कर रहे थे, फाइनली दूध का भाई पैसा देने में उनको समस्या हो रही थी। हमार अपना बग्गा कंजूस है ना, बहुत ही ज़्यादा मक्खी चूस, कंजूस के सुपर डुपर कई वर्जन प्रो है बग्गा अपना। खैर अब उसकी आदत है, का ही कर सकते हैं उसमें, जब अपनी बीबी के लिए वो नहीं सोचता तो भाई साहब अब बाकी चीज़ों में तो कंजूसी करेगा ही, क्योंकि दुपट्टा तो देखिए कुल मिला के पूरे तरीके से बग्गा का कंटेंट है। ये सारा क्रियाकलाप करने के बाद फिर जज्जी आती है मेन टॉपिक पे, जिसके रिगार्डिंग उसने ये 24 मिनट का वीडियो बनाया है। जज्जी का कहना है कि भाई साहब, तमाम तरह की बातें आप इधर उधर सुनते हो लेकिन सच सच क्या है आपको पता है? मैं बताती हूँ असली सच क्या होता है। सच बताने से पहले मैं एक चीज़ और जिज्जी की बोलना चाहूँगी। जिज्जी ने बोला कि भाई अब उनको लग रहा है कि अब वो जिंदगी जी रही, अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, मतलब अब हमारी जिज्जी टीनेज हुई है और अब उसके जिंदगी जीने का असली टाइम आया है। और उसने बोला है कि अब मैं किसी फैंटेसी में या फिर क्षणिक मात्र का जो सुख है, क्षणिक मात्र का सुकून है, उसको सोच के अपने लाइफ में डिसीजन नहीं लेती हूँ। मैं मैच्योरिटी की तलाश में थी, मुझे मैच्योरिटी मिल गई है और मैं और मैच्योरिटी अब दोनों साथ साथ रहते हैं। जिज्जी, एक कौन सी मैच्योरिटी थी जो विगत 10 जून को आपके द्वारा और आपके कागजी जिज्जा, सॉरी कागजी जिज्जा नहीं, जिज्जा जी तो भाई साहब बहुत है, रिश्तों में हैं, भाई है, फादर फिगर है, ब्रदर फिगर, आपको पहले ही बता दिया, राखी वाखी बंधवाई थी है ना, इसके अलावा पापा भी कहलवाती हैं सिर से, तो देखिए यह रिश्ता बहुत उलझा हुआ है फिलहाल। कागजी तो पति का रिश्ता होता है, ये रिश्ता का होता, पति वती तो ठीक है, कागजी ही सही है ना, बाकी खून के रिश्ते और फलाने ढमाके के रिश्ते, दूर के रिश्ते, दीदी के हस्बैंड के रिश्ते, वो सब बिल्कुल अपने रिश्ते होते, सगे होते हैं, उनसे भला जज्जी का कोई नहीं सोच सकता, वही लोग अपने होते हैं, बाकी तो नाश पिटे सब सपने होते हैं, कागज़ के बने रिश्ते होते, पानी डाल दो फाट जाए, वही वाले हाल है ना। तो जज्जी ने बोला कि अब वो बहुत कठोर डिसीजन लेती, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती, हालांकि वो डिसीजन खुद ही लेती है। छल झूठी, तू ना कभी लिया करती थी मेरी जिज्जी जिट डिसीजन, लेकिन अब तू डिसीजन ना ही लेती है, अब तुम बन चुकी हो पूरे तरीके से किसी के हाथ की कठपुतली, तुम्हें भी सच बेहद अच्छे ढंग से पता है, भले तुम एक्सेप्ट ना करो क्योंकि तुम्हारे घर में सबका कहना है कि तुमने गलतियों पे गलतियां करी हैं, इसलिए अब तुम्हें अपनी जिंदगानी का कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। है मतलब सबकी नजरों में गलतियां, वो गलतियां थी नहीं, वो सही थे तुम्हारे डिसीजन, गलतियां तुमने बना दी दूसरों के बोल बच्चन में आके, काश कि जो रिश्ते जो तुमने सिलेक्ट करे थे उनको तुम खुद निभाती, दूसरों को इतना इंटरफेरेंस ना करने देती तो कहानी कुछ और होती दर्शकों, लेकिन अब हम का ही बताएं, आप लोग समझदार हो। खैर अब आते हैं सच पे, सच क्या है? सच बहुत अद्भुत है और आज आपको पता चलेगा जिज्जी के मुंह से सच क्या है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे नीली छतरी वाले, हमेशा मुझसे ऐसे ही कर्म कराना, ऐसे ही काम कराना जिससे मैं किसी का अहित ना करूं। 10 जून का आपने अपने खागरी पति का ही अहित किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। खैर ये एक भूमिका थी क्योंकि उनका कहना था कि जैसे जो सच्चाई होती है वो सिर्फ 2 ही लोगों को पता होती है, बाकी जो 3, 4, 5, 6, 7वें के मुंह से हम सुनते हैं वो सच नहीं होता। जिज्जी की जो वर्डिंग थी
सच वो होता है जो आपने अपनी आँखों से देखा होता है, और दूसरा सच वो होता है जो आपके ऊपर बीता होता है इधर उधर न जाने किधर किधर से, वो होता है सच। हैं, इतने पे नहीं जिज्जी रुकी, अभी तो सबको लपेटे में लेना है भाई साहब। जिस पे बीतती है वो सच होता है, लेकिन अगर आपने सुना है किसी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नवें दसवें से, तो वो सिर्फ मैनिपुलेटिव स्टोरी होती हैं, मनमा काल्पनिक बातें बनाते हैं और ऐसे आपको एकदम से दिमागी चक्कर घुमा देते हैं, आपको बताए बताए के मतलब इस प्रकार की गजहिन बातें करते हैं कि आपको वही सच लगे। लेकिन ना कोई भी, पहला जिसके ऊपर बीतती है, दूसरा जिसने साथ में देखा होता, आँखों से देखा होता है, वो सच होता है ना। दो ही लोग सच जानते हैं जिनके बीच की बात होती है, बाकी का कोई भी सच नहीं जानता है। इसलिए हमेशा आप उसी चीज़ पे विश्वास करो जो आपने अपनी आँखों से देखा हो, है ना, या फिर किसी पे बीता हो। बाकी जितने भी लोग बोलते हैं, है ना, एक से लेकर 10 नंबर तक, है ना, वो सब ना नहीं, एक तो जिसके साथ बीता है, जिसने एक्सपीरियंस किया, वो तो उसका सच होता है। फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10 तक जितने भी लोग आते हैं, वो सब बकवास करते हैं, काल्पनिक बातें होती हैं जिनका वास्तविकता से 0% संबंध होता है। वो सिर्फ अपनी अपनी काल्पनिक स्टोरीज को एक असली जामा पहनाते हैं। वैसे जी, आप लोगों के स्क्रिप्ट के बारे में क्या ख्याल है? और हम आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि वो जो आपकी फरिश्ती है ना, फरिश्ती जिसने आपने बोला कि ऊपर वाले ने उसको भेजा है सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, तो उसकी बातों पे आप भरोसा करते हो? टरू वालों को बोलो कि ना, फरिश्ती जितना भी बोल रही है वो सिर्फ काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इतना ज़्यादा गंध मचाए, गाली गलौज करे हैं, वो तो आप अपने जीवन का फरिश्ता बताते हो, और आज अपने फरिश्ता को आप यहाँ झूठा भी साबित कर रहे हैं। फरिश्ते गाली गलौज वालों, देख लो भाई साहब तुम्हारी जिज्जी कैसे पलट गई कि दूसरे तीसरे चौथे दसवें तक जितने भी लोग आते हैं सब झूठे लोग हैं। अब जिज्जी, अपने फरिश्ती को तुमने नीचे दिखा दिया, कहाँ तुम कल तक उसको अपनी ज़िंदगी का फरिश्ता बताती थी, और आज तुम खुद ही बोल रही हो कि ना वो अपनी अपनी स्टोरी पकाते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। फरिश्ती काहे रो रही हो? वैसे तो तमाम लोग तमाम कुछ बोलते हैं, वो सच नहीं होता है, और आप सिर्फ जवाब दे हो अपने परमात्मा के लिए, बाकी आपको किसी की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, आप काहे बाकियों का टेंशन लेती हैं? आपको सिर्फ अपने परमात्मा की टेंशन करनी चाहिए, लेकिन आप तो भैया लगातार बार बार दूसरों की ही टेंशन लेते हैं। हम तो आपको बता रहे हैं, कब सुधरेंगे जी, सुधर जाइए, अच्छा मौका देख के गुजर जाइए, इन सारी चीज़ों से निकल जाइए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे पथ पे चलाइए। आपको भी पता है कि आप ये किसके शब्द बोल रहे हैं, किसके द्वारा आपके मुंह में ये डाले गए हैं, और किसके लिए आप यहाँ पर ये बोल रही हैं। भाई अब उधर भी तो एक बंदे के ऊपर गुजरा है, हालांकि वो सच बता ही नहीं रहा, अगर वो सच बताए दे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाए, और तुम्हारे सबकी जो सफ़ेदी चमकार वाली टी शर्ट पहने हुए इस पर काला काला नज़र आवे। वैसे हमारी जुज्जी का फेवरेट कलर है काला, काला मन, काला दिल, काला दिमाग, कपड़ा भी काला। वैसे कपड़े बहुत सारे लोगों को काले पसंद आते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बात करें तो भाई जो थोड़ा सा कलर फेयर होता है या फिर थोड़ा सा वो भी होता है तो भी काले पे थोड़ा सा क्लियर खिल के आता है, जो भी डार्क कलर होते हैं। अब बिल्कुल है, अगर सेम टू सेम कपड़ा जैसा हो, बात दूसरी है। तो सबको तो ईश्वर बनाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर मोस्टली लोगों को काला, नीला, लाल ये सब पसंद आता है, पर हमारी जिज्जी को काला। तो जिज्जी ने बहुत सारा बोल बच्चन, बहुत सारा ज्ञान दिया भाई, और उसके बाद फिर जब लगा कि नहीं यार अब बोल बच्चन ख़त्म हो गया, तो जिज्जी ने सीधे सीधे कहा कि बस गाइस अभी हम चलते हैं और खाते हैं अपने समोसे। और समोसे खाने के बाद जिज्जी बाजार जाती है, वहाँ से सामान भी खरीद के लेके आती है, बाल्टी वाल्टी, घर गृहस्थी बनाने वाला, दूध के पैकेट, दही के पैकेट, और दूध का पैकेट नीचे दिया, उसका एहसान भी जताती है, और बहुत सारी बातें। दिन में आज हम बहुत हंसे हैं, हाँ हाँ हंसे हैं जिज्जी। वैसे किस बात पे हंसे हैं, किसको टारगेट करके हंसे हैं, या किसी का वीडियो देख के हंसे हैं, या किसी के बारे में डिस्कशन करके? क्योंकि दर्शकों को एक अंदर की बात पता चली है, इनके सब की अंदर की बात यह है कि आपस में ये सब बैठते हैं और बाकी लोगों का मजाक उड़ाते हैं, चाहे इनके वो जो इंडियन यूट्यूबर गौतम हैं, या फिर अंकुश अग्निहोत्री हैं, या फिर कुछ रिएक्शन वाले।
तो ये इनके घर में होता है और फिर बहुत हाहा हूहू होता है, बातों को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, जो चीज़ें की जाती हैं डिस्कशन उसको लेकर मजाक उड़ाया जाता है। तो ये है इनकी सच्चाई, बेहद ढंग से आप समझ गए होंगे जितना भी मैं समझाना चाह रही थी। बस जिज्जी कितना सर उठा के जीतनी है, हो सके तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक जब से वहाँ से यहाँ आई हैं इन्होंने ना कितना सर उठा के जिया है, अगर बग्गी के इंगेजमेंट से लेके बता दें अभी तक, तो भाई इन्होंने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई। और उसके बाद पब्लिक कन्वें से गई थी तो मुंह सूज गवा था, लाली लिपस्टिक भी पोत दी थी, ऐसे कदुआ जैसा मुंह ले जाके वहाँ बैठ गई थी अंगूठी पहनाने के टाइम पे, जब गोद भराई हो रही थी, जो एक डब्बे में कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ तीन चार कुर्ता उर्ता रख दिए गए थे, याद आवा वो एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन वाला। खैर चलो, सर उठा के कितना जिया है आपने वो खुद आपको सेलेक्ट करना होता है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतने कम्प्रोमाइज़ करी हैं, आपको बेहद अच्छे ढंग से याद है, लेकिन वही कहते हैं ना कि अब भाई साहब अब आपको यहाँ बोल बच्चन बोलने हैं तो दूसरी बात है, कितनी बार आपकी मुंह से चीज़ें निकली हैं इसी फैमिली को लेकर जो आपके खून के रिश्ते हैं सो कॉल्ड, और फिर जब वो आपके मन में जहर भर देते हैं और आपको कुछ अंधेरों में छोड़ देते हैं तो आपको लगता ना जी यही सही है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं और यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। सर उठा के जियो जिज्जी, और सच किसको किसको पता है ज़रूर बताना। वैसे दर्शकों जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सच तो बहुत सारे काल्पनिक लोगों को भी पता है, जो कबो खटिया के नीचे थे, कबो होटल में आपके साथ, उनको ये तक सच पता है कि बिल किसने वहाँ पे दिया था जब आपकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आप मनाने गई थी, है ना। उनको ये तक पता है कि कैसे तुम्हारा हस्बैंड बाहर चला आया था अकेले छोड़ के ताकि तुम बिल दे सको, हैं, ताकि उसको बिल ना देना पड़े। बहुत सारी बातें, खटिया पजामा और हर चीज़ में वो सब घुसे रहते हैं ये काल्पनिक लोग, मिस्टर इंडिया टाइप के लोग, जिनको आपके घर की भी बातें पता हैं, आपकी ननद के पास कैसे ऑफिस वालों के कॉल आ जाते हैं, कैसे वो अपने घर से भीगे कपड़े लेके आती, मम्मी कैसे धोती थी कैसे सुखाती थी, इस सच किसने बताया था जिज्जी, तनिक से इस पर भी प्रकाश कभी डालिएगा हो सके तो। वैसे आजकल गर्मी है और चांदनी जैसा खिलता है दोपहर में, प्रकाशे प्रकाश होता है, कभी इन सारे सच पे भी प्रकाश डालिए। और एक सच और, जो भी विगत दिनों 10 जून को हुआ है, लगातार बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि जिज्जी कृपया करके वो सच पे प्रकाश डालिए, क्योंकि वो सच तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं ना, तो वो दो लोग, अब एक लोग तो बोलेंगे नहीं, आप बोल दीजिए, वैसे उस टाइम तो बहुत सारे लोग थे, तो सच तो बहुत सारे लोगों ने सुना और देखा है। झूठी दीदी।